आ गया पार्सल। आ गया हमारी वेइंग मशीन। चलो अनबॉक्स करते हैं। तो ये छठ है हमारा वेइंग मशीन, पर्सनल वेइंग स्केल। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अपनी कार का वजन किया था धर्मकांटा में, जहां पे हमारी कार का वजन था करीब 1 टन। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा करने वाला जो कि कभी भी किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। हम लोग अपनी कार का वेट करने वाले हैं पर्सनल वेइंग मशीन से। इसलिए यहाँ पे मैंने आज इतने सारी वेइंग मशीन मंगाए हैं भाई, सच में मजा आ जाएगा। कैसे होगा वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कैसे है हमारी ये वेइंग मशीन। भाई सच में बहुत ही खर्चीला वीडियो हो गया है ये वाला, लेकिन मजा भी जरूर से आएगा। तो हमारी वेइंग मशीन है, ओ भाई ये तो कांच वाली वेइंग मशीन है। अरे तो लग गए खत्म। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही सारी की सारी वेइंग मशीन, और ये जो वेइंग मशीन है, एक वेइंग मशीन लगभग 180 किलो तक का वजन कर सकती है, और हमारी कार का वजन है 1 टन। तो 6 वेइंग मशीन में काम हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे 2 वेइंग मशीन और ऐड करेंगे कि क्या पता दिक्कत आ जाए। लेकिन वजन कैसे करेंगे, वो टेस्टिंग कैसे करेंगे, वो मेन चीज करने से पहले एक बार खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। तो अभी देखना, यहाँ पे मैं एक वेइंग मशीन पे खड़ा होता हूँ और ये मेरा वजन बता रही है करीब 63 किलो। तो 63 किलो बताया, तो जब मैं 2 वेइंग मशीन में खड़ा होऊंगा तो वजन आधा आधा डिवाइड हो जाना चाहिए। चलिए वैसा भी करके देखते हैं, एक इधर पर एक इधर पर। और अब एक वेइंग मशीन बता रही है 36 किलो और एक वेइंग मशीन बता रही है 26 किलो। तो एक ने बताया 26 प्लस एक ने बताया 36, टोटल हो गया 62 kg। यानी कि हमारा ये जुगाड़ एकदम सक्सेसफुल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फोम लेंगे, फोम को 2 स्केल्स के बीच में रखेंगे, और फिर एक प्लाईवुड लेंगे, इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे। अब क्या है कि कांच पे एक समान रूप से वेट पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोग आराम से देख सकते हैं, अब एक पे वजन मेरा 39 दिखा रहा है और एक पे 25 दिखा रहा है। अभी थोड़ा वजन बढ़ा कैसे, ये बढ़ा है इस प्लाईवुड की वजह से। 39 + 25 64 हो गया, 2 किलो का ये प्लाईवुड है। यहाँ पे 1-2 किलो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एकदम एक्यूरेट बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि हम लोग जुगाड़ से ये चीज़ करने वाले हैं। पर वैसे तो हमारी स्कूटी का वजन 110 किलो के आसपास है, जिसको तोलने के लिए एक वेइंग मशीन काफ़ी है। लेकिन एक वेइंग मशीन में स्कूटी को खड़ा करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग 2 वेइंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, प्लाई के आगे वेइंग मशीन है और पीछे वाली वेइंग मशीन डायरेक्ट पहिया के नीचे है। वो प्लास्टिक के, उसके टूटने का खतरा कम है, लेकिन ये कांच की है तो इसके टूटने का खतरा ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। अब इस स्कूटी को आगे बढ़ाते हैं, बड़ा 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 चढ़ा चढ़ा चढ़ेगा। तो पीछे की पहिए पे वेट है 71 kg और आगे वेट है 37 kg के आसपास। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें 37 + 71 108, करीब 110 किलो 100 किलो की गाड़ी है, और यहाँ पे 108 दिखा रहा है। यानी कि हमारा जो जुगाड़ है वेट करने का, वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। अब का तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपनी लोकेशन पे, और ये है हमारी स्केल, और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपनी गाड़ी चढ़ाएंगे, उसको उठवाएंगे और फिर इन स्केल्स के ऊपर रखवाएंगे। तो सबसे पहला काम है गाड़ी के लाइनअप बिठाना। तो गाड़ी बुला लूँ, तो अभी मैं आगे के पहिए पे 2 स्केल लगाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये प्लाई रख रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारी गाड़ी हवा में लटक चुकी है, और नीचे हमने लगा दिए पूरे पूरे 8 स्केल। हर पहिए में 2 स्केल हैं, अभी बस गाड़ी को धीरे धीरे नीचे करना है और फटाक से हर स्केल में जाके उनकी रीडिंग लेनी है। और इस तरीके से देखते हैं हमारी स्केल गाड़ी का वजन झेल पाएंगे या नहीं, या फिर टूट जाएंगे, या फिर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए फटाक से धीरे धीरे डाउन करवाते हैं। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी नीचे उतरने वाली है, ओ आराम से भाई।
बहुत तेजी से गाड़ी नीचे आई थी, एकदम धक धक होने लगा। अब फिर से बहुत धीमे धीमे भाई, धीमे धीमे करना। हमारी गाड़ी हवा में है। ओ अब एक बार सारी स्केल देख लेते सही रखे हैं या नहीं। बिल्कुल सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो भाई आपके बाद डाउन कर दो एकदम। हमारी गाड़ी अब जा रही है स्केल के ऊपर। ओ कोई भी रीडिंग अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि गाड़ी का वेग एक समान रूप से सभी स्केल्स पर नहीं आया। फिर बारिश होने लगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी बरसने लगा है, हमें अपना काम यहीं पे रोकना पड़ा है। डे टू, एक बार हम लोग फिर से आ गए हैं उस लोकेशन पे और कल तो नहीं हो पाया था बारिश की वजह से। आज ट्राई करते हैं और देखते हैं आज रीडिंग ले पाएंगे या नहीं, हमारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं। चलिए गाड़ी को उठवाते हैं। तो फाइनली फिर से हम लोग अपनी गाड़ी का वजन डालने वाले हैं इन चारों वेइंग मशीन में और देखते हैं आज वजन कर पाएंगे या नहीं। दिलाइए। तो हमारी गाड़ी आने वाली है वेइंग मशीन पे। भाई क्या होगा, ओ रीडिंग रीडिंग आई नहीं रीडिंग। अब आया भैया 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 आ गई, आ गई रीडिंग आ गई। 126 और 74, 126 और 74, 127 और 143, 127 और 143। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली रीडिंग ले ली है। अब फिर से जोड़ना है घर जाके, उससे पहले अपनी वेइंग मशीन हटाना है यहाँ से। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर और यहाँ पे मैंने किया कैलकुलेशन। जी हाँ हाँ, इसी घर का सब किया, रियलिटी में किया है और कुछ समझ में नहीं आया आपको। अब स्क्रीन में देखो तो देखो यहाँ पे जो आगे की पहिया है वहाँ पे वजन आया है एक तरफ 211 और दूसरी तरफ आया टोटल वजन 266। और बात करें पीछे की तो एक तरफ वजन आया 200 किलो और दूसरी तरफ वजन आया तो 227 किलो। अगर इन सबको टोटल करें तो भाई वजन करीब बन रहा है 904 किलो के आसपास। लेकिन हमारी गाड़ी का वजन अगर आपने धान कांटा का वीडियो देखा है तो करीब 1000 किलो था और इसका वजन भी 1000 किलो ही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। अब 100 किलो का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि वहाँ की जो सरफेस थी एकदम प्लेन नहीं थी और इन वेइंग मशीन को चाहिए एकदम प्लेन सरफेस और इसी वजह से आ गया 100 किलो का डिफरेंस। लेकिन फिर भी 90% हम लोग करीब पहुँच गए। भाई सच में मज़ा आ गया था इस वीडियो को शूट करने में और रिजल्ट भी काफ़ी करीब आए हैं। और हाँ एक बात, बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ भाई, इंस्टाग्राम में आ जाओ, 10K होने वाले हैं। अगर आज क्या 10K हो गए तो भाई सच में कुछ बवाल होगा, कुछ ना कुछ जरूर कांड करेंगे हम लोग। ठीक है करके दिखा दो, फिर मैं भी करके दिखाता हूँ। तो भाई मुझे पता है बहुत लोग सोचते होंगे भाई क्या वीडियो बनाया है। देखो हम लोग का काम वही चीज़ करना जो कोई करे ही ना। मुझे पता है गाड़ी का वजन कितना है, फिर भी हम लोगों ने किया। तो भाई अगर आपको इस वीडियो को मजा, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा दो, इंस्टाग्राम में टैग करके भी आज दिखा दो। बस 300 लोग दिखते हैं और दिखते होंगे कि नहीं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कट 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 कट।